जसपुर वन मंडल के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र में हाथी मन जबर उत्पात मचाए के बाद अब 40 ले 45 हाथी के झुंड ह सरगुजा के सीतापुर वन परिक्षेत्र में अपन डेरा जमाही। बता दन के खाना के तलाश में भटक के अब सीतापुर वन परिक्षेत्र के अलग अलग रिहायशी इलाका में 40 ले 45 हाथी के झुंड विचरण करत है और ग्रामीण मन के धान गन्ना अरहर सब्जी के फसल ला तबाह करत है। उन्हें वन विभाग के अनुसार हाथी मन के संख्या 40 ले 45 है, जेमा नर हाथी मन के संग मादा हथनी और ओकर बच्चा भी शामिल है। यही कारण है कि हाथी मन के झुंड धीरे धीरे आगू बढ़त है और खाना के तलाश में ग्रामीण मन के धान और गन्ना के फसल ला तबाह करत जाते और वो मन के घर ल भी तोड़े है। उन्हें हाथी मन के झुंड ले सीतापुर क्षेत्र के ग्रामीण मन में दहशत है। रात के हाथी मन के चिंघार सुन के रत जगा करे पर मजबूर है। सीतापुर के क्षेत्रीय विधायक और सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ले जब गज उत्पाद के समस्या ले के बातचीत हुई तब मंत्री जी बताइस के गज उत्पाद के समस्या में तत्काल लगाम लगाए एकर बर हमन प्रयास रथन और विशेषज्ञ के टीम ला लगा दे हन, लेकिन देखे वाला बड़का सवाल ये है कि कब तक ग्रामीण मन के फसल तबाह होत रही और कब तक सरकार हा कोई ठोस कदम उठा पाही। जसपुर डिवीजन से बगीचा से अपने ये घासीडी बोड़ा झरिया होते हुए घुसा है, इसके बाद फिर ये पेटला सर्किल में आया है ना, पेटला सर्किल बंसीपुर, बंसीपुर में धान के क्षति किया है, धान रहड़ हिरवा, इसके बाद फिर ये चले गया था बालाझेर पत्थल गांव रे, फिर वहाँ से फिर वापस आया, वापस आने के बाद फिर पेटला बीट में आया, पेटला बीट से फिर ये कल ये रजोटी आमा पारा में मकान दो को क्षति किया है, दो को है ना आंशिक, इसके बाद फिर खनिहार में धान रखा हुआ था बोरा में उसको खाया, खरी को खाया, इसके बाद फिर वापस पेटला जंगल में चले गया, इसके बाद फिर रात में फिर वहाँ से निकल के एरन नवा पारा, अभी वर्तमान में एरन नवा पारा में विचरण कर रहा है और फसल के ये 40 से 45 हाथियों का दल है। गज उत्पाद पे प्रतिबंध तत्काल लगे इसके लिए हम प्रयासरत हैं और इसके लिए विशेषज्ञों को लगाया गया है।